गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व ऊपर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। स्टेशन रोड स्थित ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह गोरा और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह गोरा ने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर सबके लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रसादी वितरण भी किया गया। स्टेशन रोड से पंडरी गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाली गई। पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सड़क की पानी से सफाई की गई। ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर वाहेगुरु से प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद होरा परिवार ने प्रसादी और शरबत वितरण किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए सबके दीर्घायु जीवन की कामना की। स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनुजा और रकांपा के प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे, सिख समाज लेडीज विंग की अनु होरा ने भी सबको बधाई दी। हमारे गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के से हमारा नगर कीर्तन प्रारंभ होके पूरी साध संगत के साथ धूमधाम से पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और विशेषकर राजधानी रायपुर में स्टेशन रोड से बहुत पुरानी हमारी गुरु सिंह सभा है, वो पूरा नेतृत्व करते आ रही है और ये बहुत भव्य जो नगर कीर्तन निकला है, मैं इस अवसर पे सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। गुरु नानक देव जी गुरपुरब जी, सारी संगत को बधाई हुए, बहुत बहुत बधाई जी। सारी संगत को महाराज सब नु कृपा करे, सारे दी रक्षा करे जी। हाँ जी, आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है साहेब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे, जो कि 8 नवंबर को है, काल दस किलोमीटर धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में आज 5 नवंबर को स्टेशन रोड गुरुद्वारे से गोविंद नगर गुरुद्वारे तक ये नगर कीर्तन निकाला गया है। इसमें बहुत ही आस पास के बहुत दूर दूर से संगत आई है, भाग लिए, कम से कम 15,000 से ज़्यादा संगत आई है जो गुरुघर की होशियार मान रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़वासियों को, सिख समाज को, पूरे छत्तीसगढ़वासियों को गुनाथ देव जी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुनाथ देव जी के प्रकाश पर्व में 8 नवंबर को है और उसके उपलक्ष्य में जो ये जुलूस और जो कीर्तन चल रहा है, इसके लिए लाख लाख बधाइयाँ। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व के ओर समर्पित नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, जो हमारा स्टेशन रोड से चालू होकर खालसा स्कूल तक जाएगा। वहाँ पे पंडरी गुरुद्वारे में इसका समापन होगा और इसके बाद हमारा जो कीर्तन समागम है वो 7 और 8 को है। 8 को हमारा गुरुपुरब मनाया जाएगा। तो हम सबको, सिख समाज, पूरे सिख समाज और पूरे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी की बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, प्रकाश पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। नगर कीर्तन के मौके पर देवेंद्र नगर चौक में विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा के परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ सिख फोरम के अध्यक्ष नीता छाबड़ा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारियों ने भी पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रसादी वितरण किया। इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, नीता छाबड़ा, परमजीत कौर जुनेजा, दलजीत सिंह चावला ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए वाहेगुरु की महिमा बताई। 53वें प्रकाश पर्व की सभी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई यह प्रोसेशन, जिसमें सिख संगत पूरे छत्तीसगढ़ के दूर दराज से आए हुए सिख भाई बहनों के द्वारा जो ये प्रोसेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर आज रायपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मूल स्वरूप बहुत ही सराहनीय एक झांकी बनाई गई है। दूसरा, दवाइयों का लंगर जो हमारे गुरु महाराजों ने हमको सेवा का कार्य सिखाया है, उसको निरंतर जारी रखते हुए दवाई का लंगर विशेष रूप से निःशुल्क आम जनता के बीच पे हम बांटते हैं, जो कि पूरा किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो पूरा निःशुल्क रहता है। आज हम छत्तीसगढ़ सिख फोरम की तरफ से सेवा कर रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में पावन यहाँ पर नगर कीर्तन का आगमन हुआ है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये हमें इंतज़ार रहता है साल भर इस दिन का।
आज गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया है। इस पर्व की मैं सारी दुनिया को बधाई देती हूँ। ऐसा उपराला सिख संगत बहुत अच्छे से करती है। जगह जगह हमारे क्या बोलते प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं। कम से कम आज 2 लाख जनता हमारी इस नगर कीर्तन में है। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि ऐसा सभी धर्म की सेवा।